हैदराबाद के उप्पल के राजीव गांधी स्टेडियम में मेजबान भारत ने विंडीज के खिलाफ पिछले कुछ मैचों की परंपरा को बरकरार रखते हुए उसे दूसरे टेस्ट में भी 3 दिन के भीतर 10 विकेट से रौंद कर उसका सुपड़ा साफ करते हुए सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। तीसरे दिन के खेल में काफी कुछ अजीब देखने को मिला। पहले तो भारतीय टीम अपनी पहली पारी में उम्मीदों से काफी पहले 367 पर ही ऑल आउट हो गई और वह पहली पारी में सिर्फ 56 रन की ही बढ़त हासिल कर सकी। इसके बाद विंडीज टीम का दूसरी पारी में नाटकीय पतन देखने को मिला। मेहमान अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 127 पर ही ढेर हो गए। इससे भारत को जीत के लिए सिर्फ 72 रन का टारगेट मिला, जो उसने बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। पृथ्वी शॉ 33 और केएल राहुल भी 33 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच में 10 विकेट चटकाने वाले मैन ऑफ द मैच, जबकि युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। खास बात यह रही कि ये भारत की अपनी धरती पर लगातार 10वीं जीत रही। इससे पहले मुकाबले तीसरे दिन विंडीज की टीम तीसरे सेशन के दूसरे घंटे में या कहें कि चाय काल के करीब 1.5 घंटे बाद अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 127 पर ही ढेर हो गई। इस तरह भारत को दूसरा टेस्ट और सीरीज 2-0 से जीतने के लिए दूसरी पारी में 72 रन का टारगेट मिला। दूसरी पारी में भारत के लिए उमेश यादव ने